हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार कोई आंकड़े पेश करे चाहे ना करे, मगर बेतु के बयान देने में नेताओं की कोई सानी नहीं है। पहले प्रधानमंत्री ने रोजगार के नाम पर पकौड़े पर बहस छेड़ दी, अब उनके मंत्रिमंडल में रह चुके और गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने रोजगार देने के नाम पर बेतुका सा बयान देते हुए युवाओं को सीधे सीधे कामचोर करार दे दिया। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये बातें हर साल राज्य विधानमंडल में विभाग की ओर से किए जाने वाली राज्य युवा संसद में बेरोजगारी पर बात करते हुए कहा कि आजकल युवा कड़ी मेहनत करने से बचते हैं। यही वजह है कि लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरियों के लिए लंबी कतार लगी रहती है। पर्रिकर ने युवाओं को नशे की लत लगने पर लड़कियों पर विवादित बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा, मुझे डर लगने लगा है क्योंकि अब लड़कियों ने भी पीयर पीना शुरू कर दिया है। इन सभी बयानों में सरकार की निराशा साफ झलकती है क्योंकि रोजगार के नाम पर हर जगह बीजेपी शासित राज्यों की आलोचना हो रही है। अब ऐसे में ये बयान आना कि रोजगार सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी काम करने से बचती है, ये बेहद ही शर्मनाक है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।